बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता जिन्होंने 70 और 80 के दशक में अपने दमदार अभिनय, डांसिंग और स्टाइलिश लुक्स की वजह से दर्शकों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई थी। ये वो दिग्गज अभिनेता हैं जिनकी फिल्में देखने के लिए आज भी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। इसीलिए तो इन दिग्गज अभिनेताओं की दमदार एक्टिंग आज के अभिनेताओं पर भी भारी पड़ जाती है। लेकिन आप इन फिल्मी नायकों के बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आप इनकी रियल लाइफ पत्नियों के बारे में जानते हैं जिनके साथ इन्होंने सात फेरे लिए थे? आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के ऐसे ही दमदार अभिनेताओं के रियल लाइफ पत्नियों के बारे में बताने वाले हैं जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं। तो आइए जानते हैं कौन हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार्स और उनकी पत्नियां। नंबर वन, शत्रुघ्न सिन्हा। बॉलीवुड इंडस्ट्री के बिहारी बाबू कहे जाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा के खामोश बोलते ही हर तरफ सन्नाटा छा जाया करता था। ये वो जमाना था जब हर तरफ शत्रुघ्न सिन्हा के ही दमदार एक्टिंग के चर्चे हुआ करते थे। लेकिन अगर बात की जाए इनकी रियल लाइफ पत्नी के बारे में तो इनकी वाइफ का नाम पूनम सिन्हा है, जिनसे इन्होंने साल 1980 में लव मैरिज की थी और इस शादी से इनके तीन बच्चे हैं, जिनमें दो बेटे लव कुश और बेटी सोनाक्षी सिन्हा हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूनम सिन्हा बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक खूबसूरत अदाकारा रह चुकी हैं, जिन्होंने एक्टिंग के अलावा राजनीतिक दुनिया में भी अपना कदम रखा है और वो यूपी से समाजवादी पार्टी की नेता भी रह चुकी हैं। नंबर टू, शशि कपूर। बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता शशि कपूर, जिन्होंने 70 के दशक में अपनी फिल्मों के जरिए लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई थी। लेकिन दुख की बात तो ये है कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शशि कपूर आज हमारे साथ नहीं हैं। पर अगर बात करें इनकी रियल लाइफ पत्नी के बारे में तो इनकी पत्नी का नाम जेनिफर केंडल है, जिनसे इन्होंने साल 1958 में लव मैरिज की थी। इस शादी से इन्हें तीन बच्चे हुए, जिनमें दो बेटे करण और कुणाल और बेटी संजना कपूर हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जेनिफर केंडल एक थिएटर आर्टिस्ट रह चुकी हैं, जो पृथ्वी थिएटर के समूह की मेन लीड एक्ट्रेस हुआ करती थी और दुर्भाग्यवश साल 1984 में उनको कैंसर होने की वजह से उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। नंबर थ्री, जितेंद्र कुमार। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने दमदार एक्टिंग और अपने इम्प्रेसिव डांस की वजह से सबको अपना दीवाना बनाने वाले जितेंद्र आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं, जिन्हें जंपिंग जैक के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर बात करें इनकी रियल लाइफ पत्नी के बारे में तो इन्होंने साल 1974 में शोभा कपूर से अरेंज मैरिज की थी और आज इस शादी से इन्हें दो बच्चे हैं, बेटी एकता कपूर और बेटा तुषार कपूर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शोभा कपूर बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक जानी मानी प्रोड्यूसर हैं और इसके साथ ही बालाजी टेलीफिल्म्स की डायरेक्टर भी हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में 100 से भी ज्यादा फिल्मों को फाइनेंस किया है। नंबर फोर, विनोद खन्ना। विनोद खन्ना बॉलीवुड के एक जाने माने दिग्गज अभिनेता रह चुके हैं, जिन्होंने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत फिल्मों में एक खलनायक के रोल से की थी, पर बावजूद इसके लोगों ने इन्हें खूब सारा प्यार दिया। हालांकि आज ये हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इनके यादगार किरदारों को दर्शक आज भी बखूबी याद करते हैं। लेकिन अगर बात करें इनकी रियल लाइफ पत्नी के बारे में तो इन्होंने अपनी लाइफ में दो शादियां की हैं। इनकी पहली पत्नी गीतांजलि खन्ना हैं, जिनसे इन्होंने साल 1971 में अपना घर बसाया था और इसी शादी से इनका एक बेटा अक्षय खन्ना भी है। लेकिन शादी के कुछ समय बाद इनकी आपसी मनमुटाव की वजह से दोनों का डिवोर्स हो गया था, जिसके बाद विनोद खन्ना ने साल 1990 में कविता खन्ना से दूसरी शादी की, जिनसे इनकी दो बेटियां हुई, जिनका नाम श्रद्धा खन्ना और साक्षी खन्ना है। नंबर फाइव, फिरोज खान। बॉलीवुड के स्टाइलिश अभिनेता कहे जाने वाले फिरोज खान ने अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपने गुड लुक्स के लिए भी लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये आज हमारे बीच नहीं हैं। लेकिन अगर बात इनकी रियल लाइफ पत्नी के बारे में करें तो इन्होंने साल 1965 में सुंदरी खान से शादी की थी और इस शादी से इन्हें तीन बच्चे हैं, जिनमें दो बेटी सोनिया, फातिमा और बेटा फरदीन खान है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुंदरी खान एक हाउसवाइफ के तौर पर अपना घर संभालती थीं, जिन्हें लाइमलाइट में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और यही वजह है कि हमें इनकी बहुत ही रेयर तस्वीरें देखने को मिलती हैं।
तो दोस्तों, आपको बॉलीवुड के इन दिग्गज अभिनेताओं की पत्नियों के बारे में जानकर कैसा लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी और भी ऐसी ही धमाकेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।